मेरा नाम योगेश कुमार गुप्ता है, मैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से पीएचडी स्टूडेंट हूँ। मेरा एक सवाल है सर कि आपने एनएसडी में एजुकेशन ली है, बहुत कम लोग होते हैं जो एनएसडी से एजुकेशन लेने के बाद इकोनॉमिक बहुत कुछ अच्छा कर पाते हैं, लेकिन बहुत ऐसे लोग हैं जो नहीं कर पाते हैं। और हिंदी के कथाकार हैं गोविंद जी, उन्होंने भी कहा था कि इंडिया में जो है वो थिएटर की कोई फ्यूचर नहीं है। यहाँ पे करने के बाद जैसे मैं पीएचडी कर रहा हूँ, पीएचडी करने के बाद मैं प्रोफेसर की तैयारी कर सकता हूँ या जॉब में जा सकता हूँ, तो एमएससी से ग्रेजुएशन करने के बाद इसका क्या फ्यूचर है? यहाँ पे करने के बाद थिएटर करने के बाद और फिल्म बहुत कम लोगों को मौका मिल पाता है, या वो थिएटर कर या कोई ऐसा प्रोफेशनल थिएटर या फिल्म में ही बाकी लोगों को भी मौका मिले कि वो इकोनॉमिकल अपने आप को मजबूत कर पाए या अपने स्वागत सुखाए के लिए कुछ इस तरीके की एक्टिविटी कर सके थिएटर को लेके। मैं ऐसी चीज दोनों ने पढ़ा है और अभी पढ़ाते भी है, और हम बिल्कुल शर्मिंदा नहीं है कि हम पढ़ाने को चुना है। बहुत सारे ऐसे ऑप्शंस हैं, और मैं ये मानता हूँ आज तक का जो समय है गवर्नमेंट बहुत प्रो है, प्रो थिएटर। पता नहीं शायद कुछ चेंजेस हो रहे हैं, पिछले 5-6 सालों में ऐसा मतलब ऐसा माहौल था कि हर जगह वर्कशॉप हो रहे हैं, हर जगह फेस्टिवल्स हो रहे हैं, कमर्शियल प्लेस हो रहे हैं, प्रोफेशनल प्लेस हो रहे हैं, और लोग बार बार हम फेस्टिवल्स में इन्वाइट कर रहे हैं, और थिएटर के लोग बहुत बिजी रहे। मेरा अपना लोग लगातार कहीं कहीं कुछ ना कुछ काम करता रहा, और सब बहुत एक्साइटेड थे, पैसे भी आ रहे थे, और काम भी हो रहा था, शो भी हो रहे थे, नाम भी हो रहा था, ग्रुप का भी नाम हो रहा था, एक्ट्रेस का भी नाम हो रहा था। तो मुझे नहीं लगता कि आजकल की स्थिति ऐसी है कि ये कहा जाए कि नहीं उसमें कुछ है नहीं, बहुत कुछ है उसमें, सिर्फ आपको करने की ज़रूरत है। अच्छे प्लेस करें, आप अच्छे प्लेस छाँटें, अच्छा अभिनय करें, करवाएं। आप काम चालू काम नहीं कर सकते, ये आपके दर्शकों को कम करेगा। आपको कुछ ना कुछ बेहतर, कुछ ना कुछ नया करके दिखाना है दर्शकों को, ताकि दर्शक बढ़े, आपका नाम दर्शक बढ़ेंगे तो आपका नाम होगा, आपके ग्रुप का नाम होगा, आपका नाम रोशन होगा। इंडिया में इतने थिएटर फेस्टिवल्स होते हैं, इतने होते हैं, अगर कोई भी प्ले आपका हिट हो जाए, बहुत ही अच्छा बढ़िया बन जाए, आप हमेशा उसके शो करते रह सकते हैं, बहुत पैसा आता है। तो आज की स्थिति ऐसी नहीं है जैसा आप बता रहे हैं, बहुत ही एक्साइटिंग है मुझे लगती है। आई डोंट नो बाकी लोगों को ऐसा लगता है, हो सकता मैं जो कह रहा हूँ उसमें सत्यता तो है, क्योंकि मैं पूरा अनुभवी हूँ, मैंने एक्सपीरियंस किया है। हर कोई हर फेस्टिवल से कॉल आता है, साहब ये कर दीजिए अपना प्ले, ये कर दीजिए, नहीं कर दीजिए, क्योंकि आपका प्ले अच्छा है, क्योंकि आपका प्ले पॉपुलर हुआ है, आपके प्ले को प्रशंसा मिली है, दर्शकों का प्रसाद मिला है, तो वो बार बार किया जाएगा। आप कितने बिजी रहेंगे, कई बार तो शो कैंसिल करना पड़ता है कि नहीं 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 हो सकता, क्योंकि इस टाइम में तो इसकी शादी और इसका ये है। कई बार ऐसा करना पड़ता है कि यानी उसको शादी हुई है तो 3 दिन तो देने पड़ेंगे शादी तो ऐसा है, मतलब मेरा अनुभव ये थोड़ा सा हम लोग